नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको ये टॉपिक्स पे हम बात कर रहे हैं, दिशा बदले दशा बदले, आज इस वास्तुशास्त्र के एपिसोड के अंदर आपको मैं बताना चाहता हूँ, हमारी दिशा होती है चार, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। लेकिन दशा दोस्तों अगर देखने जाएं तो ये दशा नौ हो जाती है, और इन दशाओं के जो कॉर्नर्स होते हैं नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, ये कॉर्नर्स को भी हम, इनकी बहुत बड़ी वास्तुशास्त्र के अंदर बहुत बड़ी व्याख्या की गई है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये दिशाओं के अंदर हमको क्या क्या चीज़ कैसे कैसे बनानी चाहिए, और बनानी चाहिए तो क्यों बनानी चाहिए, उसके पीछे भी बहुत बड़ा एक वास्तुशास्त्र का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, और उस वास्तुशास्त्र के सिद्धांत के हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम लेते हैं पूर्व दिशा। तो पूर्व दिशा जो होती है दोस्तों, जहाँ से हमारा सूर्य भगवान उगते हैं, जहाँ से सूर्य भगवान का उदय होता है, वो दिशा है हमारे भगवान शंकर भगवान की, भगवान विष्णु की, हमारे देवताओं की दिशा है वो। जो पूर्व भगवान की जो पूर्व दिशा है वो सूर्य भगवान की दिशा है, देवताओं की दिशा है। तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूर्व के बाद में पश्चिम लेंगे तो वो यम की दिशा है, उत्तर लेंगे तो उत्तर की दिशा जो होती है वो भी हमारी दिशा कुबेर भगवान की दिशा है, वहाँ से धन माता लक्ष्मी कुबेर उत्तर दिशा से आते हैं। और दोस्तों दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा का जिसका नाम सुनकर लोग डर जाते हैं, वो दक्षिण दिशा हमारे पूर्वजों की दिशा है। हमारे जो पूर्वज जो भी हमारे पितृ रहे हैं, उन सबका अगर हम ध्यान करना है, उनको आशीर्वाद लेना है, उन सबसे अगर हमको उनकी फ़ोटो उनकी जो लगानी है घर के अंदर, तो हमको उसको हमेशा दक्षिण दिशा में लगाना चाहिए। अब सबसे पहला टॉपिक आता है घर के अंदर मंदिर, तो मंदिर कहाँ होना चाहिए। तो मंदिर की डायरेक्शंस होती है, सबसे ज़्यादा बेस्ट डायरेक्शन जो होती है वो होती है हमारा उत्तर पूर्व का कॉर्नर, जिसको नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर बोलते हैं, और उसको बोलते हैं हम ईशान कोण। तो दोस्तों ईशान कोण जो है वो वास्तु पुरुष का सिर है। तो मेरे इस एपिसोड्स के अंदर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो ईशान कोण है वो घर का सबसे स्वच्छ स्थान होना चाहिए, उस जगह पे कोई भी कहीं गंदगी नहीं होनी चाहिए, वो मंदिर बनाने के लिए सबसे बेस्ट डायरेक्शंस है। तो नॉर्थ ईस्ट का जो कॉर्नर है जिसको ईशान कोण कहते हैं, भगवान शंकर का जहाँ वास है, भगवान विष्णु जो आशीर्वाद देते हैं, तो वो दिशा है हमारी नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट में हमको मंदिर बनाना चाहिए, वहाँ कभी भी कोई भूल से भी भारी सामान ना रखें। भारी सामान मीन्स कोई भी वेस्टेज है या कुछ इस टाइप से, आपका नॉर्थ ईस्ट, अगर आपका नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ख़राब है तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, वो मैं आगे वाले टॉपिक्स में आपको बताऊँगा। भगवान की पूजा के बाद में, मंदिर के बाद में, अब हम आते हैं हमारा किचन, रसोईघर। रसोईघर कहाँ होना चाहिए, तो ये जो हमारा ईस्ट की तरफ जो हमारा फेस होता है, ईस्ट और पूर्व और दक्षिण का जो कॉर्नर होता है उसको हम बोलते हैं अग्निकोण। अग्निकोण मीन्स उसके डायरेक्शंस के जो भगवान है वो अग्निदेव हैं, और वो दिशा एक ऐसी दिशा है जहाँ हमको रसोई बनानी चाहिए। उसके क्यों बनानी चाहिए वो मैं लॉजिक आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन हमारी जो अग्निकोण है वो बेस्ट जगह है हमारी किचन के लिए, हमारी रसोई के लिए, वहाँ रसोई बनाएंगे। और हाँ, रसोई में ऐसी डायरेक्शंस रखें कि जो हमारी घर की माता हैं बहनें हैं उनका रसोई में खाना बनाते समय उनका मुख जो है वो पूर्वमुखी होना चाहिए। तो अगर पूर्वमुखी रखेंगे तो इसका हमारे को भगवान का आशीर्वाद मिलेगा और हमारा माता बहनें बहुत स्वस्थ रहेंगी। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि बच्चों का स्टडी रूम या आपका जो टॉयलेट है वो कहाँ होना चाहिए।
तो टॉयलेट जो है वो हमारा ड्रेनेज होता है, मतलब हमारी वेस्ट मैनेजमेंट का काम आता है, जो हमारा वेस्ट होता है, तो वो वेस्ट करने के लिए सबसे जो बेस्ट डायरेक्शन है वो दक्षिण की दिशा है। तो हमारा डायरेक्शन जो है दक्षिण पश्चिम की दिशा के अंदर अगर हम कहीं पे भी टॉयलेट बनाते हैं तो वो ड्रेनेज बेस्ट प्लेस रहता है। उसके बाद में हम आएंगे नैऋत्य कोण पे। नैऋत्य कोण किसको बोलते हैं? नैऋत्य कोण बोलते हैं हम अपने दक्षिण पश्चिम का जो कोना होता है उसको हम बोलते हैं नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण एक हमारा ऐसी जगह है जहाँ हमारे जो घर का मुखिया होता है, घर का मुखिया मतलब जिसका जिसकी इनकम से घर चलता है। घर का मुखिया ये नहीं कि मैं इनकम कमा रहा हूँ, मेरे फादर अगर बहुत सीनियर हैं तो घर के वो मुखिया हैं, नहीं। जिस इंसान की आवक से घर चलता है उसको मुखिया बोलते हैं। तो उसका मुखिया का जो बेडरूम, जो शयन कक्ष होना चाहिए, वो शयन कक्ष होना चाहिए साउथ वेस्ट की दीवार, जहाँ लास्ट नैऋत्य कोण जिसको बोलते हैं वो कोण ऐसा कोण है जहाँ जो घर का मुखिया होता है अगर उसका वहाँ पे बेडरूम रखेंगे, शयन कक्ष रखेंगे तो वो निरोग रहेगा, उसको बहुत अच्छी नींद आएगी, घर का विकास होगा। और अब चौथा कॉर्नर जो मैं बोलता हूँ वो है हमारा साउथ वेस्ट का कोण, जिसको हम बोलते हैं वायव्य कोण। वायव्य कोण का मतलब होता है कि उस डायरेक्शन में आप कोई भी चीज़ रखेंगे तो वो उड़ जाएगी। वायव्य कोण मीन्स का उसका डायरेक्शन ये है, वायु की तरीके से उसको आगे बढ़ता चला जाएगा। तो वहाँ हम 10 दोस्तों हम किस चीज़ को बनाना प्रीफर करेंगे? उस दिशा में हम प्रीफर करेंगे हमारा गेस्ट रूम। क्यों? क्योंकि हमारे गेस्ट आएंगे और हमारे घर पर रुक जाएंगे तो फिर वो परमानेंट रूम का वास हो जाएगा। तो हम ऐसी जगह पे गेस्ट रूम बनाते हैं कि गेस्ट आए और चले जाएं, गेस्ट आए और चले जाएं। तो ये हमारी चारों डायरेक्शंस का एक मैंने बताया। दूसरा, एक अगर आपकी कोई ऐसी जगह है जहाँ नॉर्थ ईस्ट में ईशान कोण में अगर आपका मंदिर नहीं बन सकता है, कुछ कारण ऐसे हैं कि जहाँ वहाँ आपका कोई स्पेस नहीं है, तो आप उत्तर दिशा के अंदर भी मंदिर बना सकते हैं। उत्तर दिशा भी बहुत बेस्ट दिशा है, अच्छी दिशा है मंदिर बनाने के लिए, भगवान का पूजन करने के लिए, क्योंकि वो कुबेर की दिशा है। जो कुबेर भगवान, जो सभी भगवानों के, जो सभी देवताओं के खजांची हैं, कैशियर हैं, वो दिशा कुबेर की दिशा है। तो इसलिए अगर आप नॉर्थ ईस्ट में सपोज किसी कारण से आपके घर में कुछ ऐसा डायरेक्शंस है, कुछ ऐसी स्थिति है जहाँ आप नॉर्थ ईस्ट में ईशान कोण में मंदिर नहीं बना सकते, तो आप साउथ में, साउथ ईस्ट में भी बना सकते हैं, वो मंदिर भी आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। और हाँ, आपका मुख पूजा करते समय, बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि हम साउथ की तरफ बना लेंगे तो मुँह हमारा डायरेक्शंस पूजा करते समय या तो ईस्ट में होना चाहिए, पूर्व मुखी होना चाहिए या उत्तर मुखी होना चाहिए। ये दो मुखी, दो दोनों दिशाएं हैं, ये बहुत ही अच्छी दिशाएं हैं भगवान को याद करने के लिए, भगवान का स्मरण करने के लिए, भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए, बहुत ही अच्छी दिशा है। तो ये दिशाओं का मैंने आज आपको थोड़ा ज्ञान दिया है और आगे वाले एपिसोड में बात करेंगे। जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुते।